अस्सलामुअलैकुम गाइस, जूस किचन में वेलकम है आपका। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नारियल के लड्डू, और ये बहुत झटपट बनने वाले लड्डू हैं। जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो आप अपने घर में इसको बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने 2-3 स्पून यहाँ पे देसी घी लिया है, ठीक है, और बहुत आसान, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में भी बन जाएंगे और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। जैसे यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा घी, वैसे यहाँ पे हमने 3 कप कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, 3 कप लिया है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो रेशो को समझ लीजिएगा आप लोग, रेशो के हिसाब से अगर बनाएंगे तो आपका लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और टाइम भी कम लगता है इसको बनाने में। तो देखिए, इसको पहले 3-4 मिनट के लिए हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस घी मेल्ट हो जाए, घी मिक्स हो जाए अंदर, 2 से 4 मिनट ही आपको करना है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भुन चुका है, रोस्ट हो गया अच्छे से। अब यहाँ पे हमने 1.5 कप दूध का इस्तेमाल करना है, तो पहले हम यहाँ पे 1 कप डाल के ही देखेंगे कि अगर ये बाइंड अच्छे से हो जाता है, डो फॉर्म में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर दूध कम ज़्यादा लगता है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने 1.5 कप दूध पूरा यूज़ किया है यहाँ पे, और इसी टाइम हमने 1/2 कप शक्कर डाला है, शुगर, क्योंकि हम कोकोनट भी मीठा होता है और शक्कर हमने इसलिए कम डाला है क्योंकि अभी इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे तो वो भी मीठा होता है। तो इसका रेशो बहुत ही सही था, परफेक्ट था बिल्कुल बनने के बाद। तो अब इसको शक्कर डाल के, शुगर डाल के इसको अच्छे से मैश करते रहेंगे, इसको मिलाते रहेंगे कि मेल्ट होता जाएगा शुगर और ये अच्छे से बाइंड होता जाएगा। देखिए आप लोग, इसको ऐसे ही दबा के बाइंड करना है, मिलाते जाना है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने 1/2 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा मावा का टेस्ट देगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसको भी अच्छे से मैश करेंगे। और यहाँ पे 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है, अगर आप चाहें तो डालिए, चाहे तो ना डालिए, वैसे भी टेस्टी बनेगा ये। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको भी अच्छे से दबाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। ये मिक्स हो जाएगा जो, तो डो फॉर्म में आ जाएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद भी थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहे कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे लड्डू गोल शेप में या ट्राइंगल शेप में, जैसे भी आप बनाना चाहें, सिलेंडर शेप में बना सकते हैं। तो आप इसको बस ऐसे गोल गोल राउंड राउंड घुमाएंगे, और यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट रखा, इसको कोट कर लेंगे। कोट करते जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे ऐसे लड्डू मेरा तैयार हो गया है। और ये बहुत ही सॉफ्ट बना था, बहुत ही जूसी बना था। आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोग खुद, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना टेस्टी था। तो वीडियो बहुत छोटी होती, 3-4 मिनट की वीडियो होती, तो आप लोग स्किप ना करें बिल्कुल वीडियो को। चैनल पे न्यू है तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। देखिए लड्डू यहाँ पे बनके तैयार है, और यहाँ पे आप चाहें तो काजू लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं ऊपर से, या किशमिश लगा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिल्वर पेपर लगाया था, चांदी का वर्क जो होता है उसको लगाया था यहाँ पे। तो ये ढांसवा हुआ चिनल्ला।